हेलो एवरी वन हाउ आर डू इट्स कैप्टन आर टी आर हेयर और आज मैं ऐसे ही इंस्टा पे सर्फिंग कर रहा था इंस्टा पे स्क्रोल कर रहा था और तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में आई एक फॉरवर्डेड वीडियो और उस पर लिखा था टर्बो एक्सट्रीम उसके अंग उसमें कुछ नहीं लिखा था बस लिखा था टर्बो एक्सट्रीम और टर्बो एक्सट्रीम भाई किसे नहीं मालूम है टर्बो एक्सट्रीम इज़ यूट्यूब चैनल जिनके वन पॉइंट थ्री मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हैं एंड आई एक्चुअली रियली रिस्पेक्टेड हिम बिफोर जब मुझे उस उनके ये सब सीन का नहीं मालूम था और फिर मैंने ये वीडियो देखी वीडियो में एक शख्स की बहुत ज़ोरदार तरीके से पिटाई हुई है देख पा रहे हो भाई हाथ वाथ तो भी हिल रहे हैं उनके पिटाई के बाद एंड पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर टर्बो एक्सट्रीम है ही कि नहीं है फिर मैंने दो तीन लोगों से और पूछा अपने फ्रेंड से कि यार ये पक्का टर्बो एक्सट्रीम ही लग रहे हैं उन लोगों ने भी कहा हाँ यार टर्बो एक्सट्रीम ही है ये तो एंड मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि आखिर यार टर्बो एक्सट्रीम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है मुझे लगा कुछ पुलिस का सीन होगा पुलिस का गाड़ी का लेके कर गाड़ी के लेके सीन में पुलिस इतना नहीं मारती है किसी को भी तो मैं यूट्यूब पे गया थोड़ी और रिसर्च करने एंड यूट्यूब पे मैं थोड़ी देर ढूंढा टर्बो एक्सट्रीम बीटन बाय पुलिस टर्बो एक्सट्रीम बीटन टर्बो एक्सट्रीम कॉन्ट्रोवर्सी एंड फिर मुझे ये चैनल देखने को मिला चैनल का नाम है अर्नीस फैमिली ब्रैकेट टर्बो एक्सट्रीम इस चैनल के अंदर दो वीडियोस चली थी एक थी टर्बो एक्सट्रीम की सच्चाई टर्बो एक्सट्री हैश टैग अर्नीस टैग टवन्नाश टर्बो लाइव इसमें हम लोग को एक वुमेन देखने को मिलती है और इस वीडियो को आप लोग खुद देख लें नमस्ते आज मैं मजबूर हो गई हूँ सोशल मीडिया की हेल्प लेने के लिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ चैनल का नाम और इस वीडियो से लोगों को लग रहा होगा कि मैं कौन हूं मेरा टर्बो एक्सट्रीम से क्या संबंध है तो मैं बताती हूं कि मैं हूं मिस्टर करमजीत सिंह बवेजा की वाइफ तन्वी बवेजा हमारी शादी 2005 में हुई थी और हमारा बेटा है तेरह साल का तवेश जो कि आर्नी ने शुरू से ही डिनाई किया कि उसने शादी नहीं की है उसने अपने आप को एक बैचलर की लाइफ दिखाई मेरे पूछने पे उसने हमेशा मुझे एक ही चीज बोला कि वो मेरा पार्ट अलग है वो मेरा सोशल मीडिया है उसमें मैं कुछ भी रियलिटी नहीं है मेरी वहां पे तुम खुद देखो मैं तो इस तरह से बता रहा हूं कि मैं शादी नहीं की है मैंने तो मुझे उस टाइम लगा ठीक है अगला बंदा मेरे साथ में है मुझे क्या करना है बट धीरे 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 लड़कियां आनी शुरू हुई मैंने पूछा भी उस टाइम भी तब मुझे ये चीज बोला गया कि वो सब मेरी मॉडल्स है फिर बाद में मम्मी और दीदी भी वहां रहने गए मैंने जब भी वहां जाने की बात की तो उस बंदे ने उस चीज को डिनाई किया और मैं तविश को लेकर के यहां रह रही थी तो तविश का स्कूलिंग उसका सब कुछ यही चल रहा था तो मैंने कभी उस चीज को लेकर कभी फोर्स भी नहीं किया अगले को अगला जब भी मिलते थे हम लोग कभी डेली मिल रहे हैं कभी जयपुर मिल रहे हैं तो हम लोग मिलते रहते थे बीच बीच में मुझे कभी भी नहीं था कि ये बंदा इस तरह का कोई स्टेप ले सकता है पहले आई आ, कोई मुझे नाम याद नहीं है वन गर्ल ही प्रपोज वो थ वो सब चीज़ सब चीजों पर मेरे सवाल उठाए थे लेकिन तब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई कि ये सब मेरी मॉडल्स है जब निकिता भी आई लाइफ में तब भी मैंने पूछा तो तब भी मुझे ये की चीज़ बताई गई कि वो मेरी मॉडल है आज तमन्ना उसकी लाइफ में है तो मुझे भी मुझे यही बोला गया है कि वो उसकी मॉडल है लेकिन क्या आप लोगों को सच में लगता है कि तमन्ना उसकी सिर्फ मॉडल है वो उसके घर के अंदर रह रही है विदाउट एनी वन आज मेरी सास को उस घर से निकाल दिया है मेरी ननद को उस घर से निकाल दिया है जिन लोगों को वो बोलता है कि वो मेरी माँ है वो मेरी बहन है कहा है वो लोग क्या टर्बो एक्सट्रीम फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी को भी लेके घूम रहा है और वो वीडियोस बना रहा है और क्या क्या था उसका लोगो स्लोगन वर्क हार्ड टू लिव लार्ज रियली करमजीत मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि वर्क हार्ड टू लिव लार्ज क्या तुम अपनी जर्नी सच्ची में जो तुम्हारी असली जर्नी है वो एक बार लोगों को जरूर बताना और अगर तुमने नहीं बताई तो मैं जरूर बताऊंगी लोगों को कि तुम्हारी असली जर्नी क्या थी और तुम कहां से शुरू हुए थे उसने मुझे जयपुर में घर दिलाया हम जयपुर में ही रहते थे काम के सिलसिले में वो वहां चला गया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको कभी आना ही नहीं है यहाँ पे मेरे को यहाँ घर दिलाया मैं यहाँ रह रही थी तविश की स्कूलिंग भी यहीं चल रही थी मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे कि ये घर क्यों दिलाया जा रहा है मुझे और मुझे यहाँ पे क्यों एक स्टक किया जा रहा है आज में समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे रोक के उसका जो आ, मुझे यहाँ पे रोक के और तविश को इस यहाँ स्कूल में एडमिशन दिला के उसका एक ही पर्पज था कि मैं यहाँ बिजी हो जाऊं और वो वहां जो भी कर रहा है वो करता रहे आज भी वो इतना रिलैक्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको पता है कि कुछ भी नहीं करेगी तंगी तनवी के बस में कुछ भी नहीं है उसको मेरी पूरी बैकग्राउंड मेरा पता है उस बंदे को उसके बावजूद अगर कोई इंसान किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है शेम सच में मुझे, मुझे उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है मेरे को नहीं पता मैं मैं इस टाइम पे नो no डाउट मैं कुछ बुरा नहीं बोलूंगी उसके लिए बट एटलीस्ट इतना उसके अंदर एक ह्यूमन human, ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी चाहिए थी कि वो अपने बच्चे के बारे में सोचे ठीक है उस बंदे को अगर मेरे साथ में भी कोई प्रॉब्लम था इशू था एटलीस्ट सामने आकर के आप बात तो करो आप बिना बात करे आपने बैक ऑफ किसी के पीछे से आप इतनी सारे डिसीजन ले लिए आज वो बंदी उसके साथ रह रही है मुझे नहीं पता किस राइट से रह रही है और मुझे नहीं पता उसके घरवाले कैसे है जो उसे अलाउ कर रहे इस तरह से रहना और अगर सच में उसके वालों को ये नहीं पता है कि मैं उसकी वाइफ हूं और उसने छुपाया है तो मैं चाहती हूँ कि उसके घर वालों को पता चले कि नहीं वो मैरिड है उसका तेरह साल का बच्चा है वो कोई बैचलर नहीं है जो उसने इंटरव्यूज दिए हैं वो सब फ्रॉड है क्या उसकी मदर ने एक बार भी उसकी माँ से मिलने की कोशिश की उसकी बहन से बात करने की कोशिश की किसी ने नहीं की जब तमन्ना को सब कुछ पता था कि मैं मैरिड वो मैरिड है उसका बच्चा है उसके बावजूद भी वो बंदी उस बंदे को नहीं छोड़ रही है उस बंदे के साथ उस घर में रह रही है वॉट काइंड ऑफ ए लेडी यू आर आई डोंट नो तुम एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही हो. वो भी उस औरत का जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है तेरह साल का कैसे पालू मैं उस बच्चे को मेरी मेरे बारे में मैंने जो बोला है उसके मेरे पास प्रूफ्स है एंड कुछ प्रूफ मैं आपको शो कर रही हूँ इस वीडियो में सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज मुझे 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 न्याय चाहिए टर्बो फैमिली जिस फैमिली के दम पे वो इतना ज्यादा हवा में उड़ रहा है प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है थैंक यू इस वीडियो में ये वुमेन जो है ये साफ साफ कह रही हैं कि इनका नाम है तन्वी बवेजा जो अरनी बवेजा की वाइफ है ऑफकोर्स तो तन्वी बवेजा जो है ये क्लेम कर रही हैं कि ये टर्बो एक्सट्रीम की रियल वाइफ हैं और जो तमन्ना के थर्टीन करके एक है आप जानते होंगे अगर आप उनको फॉलो करते हो तो जो मैं अभी आपको वीडियो उनकी भी दिखा देता हूँ इनसे अभी तक उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ है ये बात तो समझ में आ ही रही है कि टर्बो एक्सट्रीम का डिवोर्स तो इनके साथ नहीं हुआ है इनका एक बच्चा भी है तेरह साल का जिनकी ये स्कूलिंग करने के चक्कर में टर्बो एक्सट्रीम के साथ जाके नहीं रह रहे थे बट अब उसके बाद इन्हें ये मालूम चलता है कि ना हो टर्बो एक्सट्रीम जो है तमन्ना नाम की लड़की के साथ अपना अलग कुछ सीन बैठा लिए हैं और इनको छोड़ दिया है विदाउट एनी डिवोर्स विदाउट एनी और पूरी इनकी फ़ैमिली जो थी इनकी मदर और भी इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स थे उनको ले ये लोग शिफ्ट हो गए हैं तो इसी मुझे जैसा मुझे लगा है जितनी मैंने रिसर्च करी है और जो इन्होंने वीडियो के एंड में फ़ोटोज़ डाली है उनसे तो मुझे भी यही लग रहा है कि भाई ये टर्बेक् स्ट्रीमी है एंड दिस इज़ द रियल टर्बे स्ट्रीम्स वाइफ और जो टर्बेक् स्ट्रीम की वीडियोस में एक लड़की आती है आपने देखा होगा वो नहीं है एंड जो जो स्ट्रीम की पिटने वाली वीडियो है वो भी इसी से रिलेटेड है अब मुझे नहीं मालूम है कैसे रिलेटेड है क्यों रिलेटेड है बट जो मुझे समझ में आया है अभी तक मैंने उसकी वीडियो बनाई है अभी कुछ फाइनल नहीं है ये एक कंट्रोवर्सी ही है मुझे भी कुछ पक्का आइडिया नहीं है कि हुआ क्या है ठीक है जितना मुझे समझ में आया है मैंने उतना बनाया है और अगर जो भी आगे कुछ होता है जो भी होता है आगे उसकी वीडियो में जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा एंड अभी एकदम से जाके हेट देना मत चालू कर दो मुझे भी अभी कुछ श्योरिटी नहीं है जितना मुझे यहाँ पे मिला है देखने को जितना मुझे समझ में आया है उस हिसाब से तो भाई ऐसा ही है कि ये उनकी वाइफ है और वो उनकी वाइफ को छोड़ के अपना अलग शिफ्ट होकर तमन्ना के साथ तभी रह रहे हैं ये सीन है पूरा अब ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी के इतने बड़े यूट्यूबर की लाइक टर्बो एक्सट्रीम वॉज अ नेम यार टर्बो एक्सट्रीम के नाम में दम था चैनल का चैनल का नाम चलता था बट ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अब तो मुझे काफ़ी गलत लगा ये बट या दैट वॉज इट फॉर टुडे अगर वीडियो चले गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ अब मैं चलता हूँ एंड सी आलसीना नेक्स्ट वन बाय बाय